एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बात को शुरू करेंगे हम यूएस मार्केट से, जिसमें हमें डाउ जोन्स और एसएनपी 500 में अराउंड 1.95% का एक अपसाइड यहां पे देखने को मिला। नैस्डैक में यहां पे कल 2.59% का एक मेजर अपसाइड को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहां पे गोल्ड के ट्रेडिंग लेवल्स पे भी हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड के डिमांड में मार्जिनल गिरावट आने की वजह से करंटली ये $40.23 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज आपको एशियन मार्केट में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आज हम एसजीएक्स निफ्टी को 12,149 पे यहाँ पे ओपन होता हुआ देख सकते हैं, जिसके बाद निफ्टी 50 का जो फ्यूचर से वो करीबन हमें 12,164 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हमें मार्केट 12,150 के ऊपर ही यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद यहाँ पे बाइंग आने की वजह से इसमें एक फर्दर अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट के बारे में, तो बर्जर पेंट्स और आईनेक्स लीजर के केस में हमें ड्रास्टिकली इसके क्वार्टरली रिजल्ट में एक बदलाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे बर्जर पेंट्स के बारे में। बर्जर पेंट्स के रेवेन्यू में इस बार 9% का एक जंप को देखा जा सकता है, जबकि नेट प्रॉफिट में अराउंड 13.3% का एक अपसाइड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। EBITDA में अराउंड 33.5% का एक जंप है, जबकि EBITDA मार्जिन में इस बार अराउंड 3.5% का एक अपसाइड यहाँ पे हम देख सकते हैं। लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन के मटेरियल कॉस्ट की वजह से यहाँ पे मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो आज स्टॉक में एक बाइंग आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें आईनेक्स लीजर के बारे में, तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 99.9% के मार्जिन से डाउन हुआ है, जबकि नेट लॉस इस बार भी हमें 67.8 करोड़ के करीबन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। EBITDA में अराउंड 75.8% का एक फॉल को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के चलते इसका जो थिएटर्स थे वो बंद थे, इसके लिए यहाँ पे रेंट कंसेशन के तौर पे यहाँ पे कंपनी को 72.6 करोड़ का एक कंसेशन यहाँ पे दिया जा चुका है। अगले कुछ ही टाइम में यहाँ पे थिएटर्स ओपन होने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडियन ADRs के बारे में बात करें, तो सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज को छोड़ के बाकी सभी ADR लेवल्स में एक मेजर अपसाइड आज के ट्रेडिंग आवर में हमें देखने को मिला है। तो आज आपको इन सभी स्टॉक्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। कैश मार्केट में अभी के लिए हम FIIs के साइड से एक मेजर बाइंग को देख सकते हैं, लेकिन DIIs अभी भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे सेल हिंडालको, SRF, NMDC और इंडिगो केस में एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को देखा जा सकता है। तो इन सभी स्टॉक में आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आज के ट्रेडिंग आवर्स में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मार्केट आउटलुक की ओर देखें, तो अभी के लिए एक्टिव ऑप्शंस अराउंड 12,000 और 13,000 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो आज आपको मार्केट 12,100 के ऊपर यहाँ पे ओपन होता हुआ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की ओर देखें, तो कॉल साइड पे अराउंड 13,000 पे और पुट साइड में करीबन 12,000 के ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप हमें दिखाई देता है। तो आज का जो ट्रेडिंग आवर से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये कल के क्लोजिंग लेवल को जाके सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ पे 12,200 का लेवल भी आज यहाँ पे फिर से रिक्लेम होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम आज के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो आज आपको सिप्ला, ITC, वेदांता, अशोक लीलैंड, एस्ट्रल पॉली, BEML, BHEL, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर लाल, गल्फ ऑयल, इंडिया सीमेंट, मणप्पुरम फाइनेंस जैसे कुछ कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आज अनाउंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप इन सब कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में रियल टाइम अपडेट पाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आखिर में ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस रिटेल के लिए फिर से एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हासिल कर लिया है, जो कि सऊदी अरबिया बेस्ड PIF फंड है, जिसने 9,555 करोड़ के बदले रिलायंस रिटेल वेंचर्स में अराउंड 2.04% का अपना स्टेक यहाँ पे हासिल किया है। ये डील
कंप्लीट होने की वजह से आपको रिलायंस के शेयर में आज थोड़ा सा बुलिश साइड दिखाई दे सकता है। तो आज आप इस बात को यहाँ पे ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग लेवल्स के तौर पे जाके चेक कर सकते हैं। आईनेक्स लीजर में यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अराउंड 250 करोड़ थ्रू इक्विटी और अदर सिक्योरिटीज के मदद से यहाँ पे मार्केट से रेज करने का प्लान किया है। तो आज इसके वजह से आईनेक्स लीजर थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल आपको दिखाई दे सकता है। अदानी ग्रीन के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी का एक आर्म है जो कि अदानी सोलर एनर्जी जोधपुर ब्रांच है, जिसमें 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पे कमीशन किया गया है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अगले क्वार्टर्स में दिखाई दे सकता है। तो आज इस स्टॉक में भी आज आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।